रीजनिंग एबिलिटी के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे ब्लड रिलेशन के बारे में। ब्लड रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जहां पर हम दो पर्संस के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। हमें इंफॉर्मेशन दी होगी क्वेश्चन में और हम उनका रिलेशन बताएंगे दो पर्सन के बीच का कि क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो रिलेशंस हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ रिलेशंस दिए हुए हैं हमें, जैसे कि फादर्स और मदर्स फादर, फादर्स ऑफ मदर फादर्स होते हैं ग्रैंडफादर, फादर के फादर या मदर के फादर जो होते हैं वो ग्रैंडफादर होते हैं। ठीक है, फादर्स और मदर्स मदर, फादर की मदर और मदर की मदर जो होती है वो ग्रैंड मदर होती है। ठीक है, फादर और मदर ब्रदर, फादर के ब्रदर और मदर के ब्रदर जो होते हैं वो अंकल होते हैं। फादर और मदर सिस्टर, फादर की सिस्टर और मदर की सिस्टर आंट होती हैं। ठीक है, अंकल और आंट चाइल्ड, अंकल और आंट चाइल्ड कजन होते हैं, सिबलिंग सन होते हैं नेफ्यू। ठीक है, और सिबलिंग डॉटर्स होती है नीज। सन और डॉटर चाइल्ड ग्रैंड चाइल्ड। मदर साइड रिलेशन को हम मैटरनल रिलेशन कहते हैं, फादर साइड रिलेशन को हम पैटरनल रिलेशन कहते हैं। चाइल्ड ऑफ सेम पेरेंट इसको हम सिबलिंग्स कहते हैं, और वंस हस्बैंड या वाइफ इसे हम स्पाउस कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर कि जो फादर के फादर है वो हमारे ग्रैंडफादर, मदर के फादर भी ग्रैंडफादर, फादर और मदर की मदर ग्रैंड मदर, फादर और मदर के ब्रदर अंकल। ठीक है, जैसे चाचा मामा, ठीक है इस तरह से। और फादर और मदर की सिस्टर आंट, बुआ या मासी। ठीक है, अंकल्स और आंट चाइल्ड, बुआ या मासी के जो बच्चे होते हैं या चाचा या मामा के जो बच्चे होते हैं उनको हम कजन बोलते हैं। सिबलिंग सन, सिबलिंग सन अगर आपके बहन या भाई का कोई बेटा है उसे हम नेफ्यू बोलते हैं, और सिबलिंग डॉटर अगर आपकी बहन या भाई की कोई डॉटर है, कोई बेटी है, उसको हम नीज बोलते हैं। नेफ्यू यानी कि भतीजा या भांजा, नीज यानी कि भांजी या भतीजी। सन्स और डॉटर्स चाइल्ड अगर आपके बेटे या बेटी के जो बच्चे हैं उसे हम ग्रैंड चाइल्ड बोलते हैं। ठीक है, मदर साइड रिलेशन जो आपकी मदर की साइड के जो रिलेशन है उन्हें हम मैटरनल रिलेशन कहते हैं, और जो फादर के साइड के रिलेशन है उन्हें हम पैटरनल रिलेशन कहते हैं। ठीक है, चाइल्ड ऑफ सेम पेरेंट क्लियर है, सिबलिंग्स सेम पेरेंट के जो चाइल्ड है वो सिबलिंग्स, जैसे आपके रियल ब्रदर सिस्टर्स। ठीक है, तो आप लोग जो हो वो सिबलिंग्स हो। तो वंस हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन को बोलते हैं स्पाउस। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस है जिन्हें हम ध्यान में रखेंगे, और इससे नेक्स्ट टर्म्स हम पढ़ लेते हैं जो इससे नेक्स्ट रिलेशन है वो भी हम देखते हैं। नेक्स्ट रिलेशंस है यहाँ पर इन लॉज रिलेशंस। ठीक है, जो कि हमारे बॉन से हमें नहीं मिलते, लेकिन जब हमारी मैरिज हो जाती है तो हमारे कुछ रिलेशंस जुड़ते हैं, तो हम उन रिलेशंस को भी एक बार देख लेते हैं। हस्बैंड और वाइफ फादर, हस्बैंड फादर और वाइफ फादर होता है फादर इन लॉ। ठीक है, हस्बैंड और वाइफ मदर, मदर इन लॉ। हस्बैंड और वाइफ ब्रदर, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, हस्बैंड और वाइफ सिस्टर, सिस्टर इन लॉ। ब्रदर्स वाइफ सिस्टर इन लॉ, सिस्टर हस्बैंड ब्रदर इन लॉ। डॉटर हस्बैंड होगा सन इन लॉ, और सन्स वाइफ डॉटर इन लॉ। ठीक है, ये सारे रिलेशन वो हैं जो इन लॉ हैं हमारे पास, लॉ में है हमारे पास, लेकिन ये जन्म से नहीं जुड़े हमारे साथ। ठीक है, तो इन रिलेशन को अच्छे से ध्यान रखें। रिलेशन को समझने के बाद अब हम समझते हैं कि जो ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है उन्हें हम किस तरह से कर सकते हैं। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को करने का आसान तरीका है कि उसके लिए हम एक फैमिली ट्री मेंटेन करें। फैमिली ट्री बनाने के लिए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हम वो समझ लेते हैं। फैमिली ट्री है यहाँ पर। ठीक है, अगर हमारे पास मेल है कोई, फादर, ग्रैंडफादर, अंकल, ब्रदर, ठीक है, अगर कोई मेल मेंबर है तो हम उसके लिए प्लस सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, और अगर फीमेल है कोई, मदर, ग्रैंड मदर, आंट, सिस्टर, इस तरह की कोई टर्म्स या इस तरह का कोई रिलेशन हमें दिया गया है तो हम वहाँ पर माइनस यूज करेंगे।
ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप प्लस और माइनस सिंबल को ही यूज करो, आप यहाँ पर कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से। अगर आपको प्लस और माइनस आसान लगता है तो आप प्लस और माइनस से डिनोट कर सकते हो मेल और फीमेल को, अदरवाइज आप किसी भी सिंबल से मेल और फीमेल को डिनोट कर सकते हो। तो अगर हमें फैमिली ट्री बनाना हो तो हम वो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर मेल और फीमेल का डिफरेंस जान चुके हैं कि अगर हमें मेल और फीमेल का सिंबल पता हो तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि जिसकी हम बात कर रहे हैं वो मेल है या फीमेल है। कुछ एग्जांपल्स हैं, हम उसे करके देख लेते हैं ताकि आपको फैमिली ट्री बनाना आसान हो जाए। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। अब हमने मैंने यहाँ पर मेल को प्लस से डिनोट किया है और फीमेल को माइनस से डिनोट किया है, तो ए इज द ब्रदर ऑफ बी। यहाँ पर ए की बात हो रही है कि ए जो है वो बी का ब्रदर है। ठीक है, तो ए मेल पर्सन है यहाँ पर, ठीक है, और ये ब्रदर है ऑफ बी। लाइन इसलिए क्योंकि ये सेम जनरेशन से है। ठीक है, ब्रदर, इसका पता नहीं कि बी ब्रदर है या सिस्टर है, लेकिन ए कन्फर्म है कि ए यहाँ पर ब्रदर है। ठीक है, और ये सेम जनरेशन से है इसलिए यहाँ पर हमने प्लस सिंबल लिया और ए को डिनोट कर दिया कि ये ब्रदर है बी का। बी का हमें नहीं पता बी फीमेल है कि मेल है, मतलब बी ए की सिस्टर है या ब्रदर है, लेकिन हमें ए का कन्फर्म है कि जो ए है वो ब्रदर है बी का। ठीक है, सेम जनरेशन है इसलिए हम लोगों ने एक ही लाइन में इन्हें लिखा है, एक ही रो में हमने इनको लिखा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए इज द सिस्टर ऑफ बी। तो ए सिस्टर फीमेल है तो माइनस का सिंबल, और ये सिस्टर है तो इज द सिस्टर ऑफ बी। बी नहीं पता ब्रदर है कि सिस्टर है, तो ए इज द सिस्टर ऑफ बी। ये भी सेम जनरेशन से है तो हमने एक लाइन से डिनोट किया। ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए इज द वाइफ ऑफ बी। ठीक है, अब ये स्पाउस है, हस्बैंड और वाइफ है, तो हम इनके दोनों साइड पैर लगाएंगे क्योंकि हस्बैंड और वाइफ को हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। आप किसी भी तरह से कर सकते हो, सपोज की डबल लाइनें लगा ली अगर आपने। ठीक है, ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए हमें पता है कि वाइफ है ऑफ बी। अब यहाँ पर हमें कन्फर्म है कि बी जो है वो हस्बैंड ही होगा। ठीक है, तो बी इज द हस्बैंड ऑफ ए, हम ये भी कह सकते हैं। तो जो ए है वो वाइफ है तो फीमेल मेंबर है, और बी हस्बैंड है तो ये मेल मेंबर है। ठीक है, तो आप किसी भी तरह से, और अगर आपको कोई और तरीका भी आसान लगता हो डिनोट करने का कि हम सिंबल्स को कैसे डिनोट करें, रिलेशंस को कैसे किस सिंबल से डिनोट करें, तो अगर आपको जैसे इजी लगता हो आप उस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे, ए इज द सन ऑफ बी। तो अगर हम इसका फैमिली ट्री बनाएं तो ए इज द सन है, मेल पर्सन है, सन ऑफ बी। बी नहीं हमें पता फादर है या मदर है, तो ए इज द सन ऑफ बी। एरो इसलिए इस तरह से बनाया है क्योंकि यहाँ पर अब जनरेशन गैप है, तो ए इज द सन ऑफ बी, इसलिए इस तरह से हमने इसे मेंशन किया है जनरेशन गैप दिखाकर, यहाँ पर वन जनरेशन गैप है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पर, ए इज द मदर ऑफ बी, ए इज द मदर ऑफ बी। तो ए मदर है, ठीक है, ऑफ, ये मदर है बी की, तो सेम फिर से जनरेशन गैप है, तो ए इज द मदर ऑफ बी। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे, ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी, ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी। तो अब यहाँ पर जो जनरेशन गैप रहेगा वो दो रहेगा, ठीक है, बी और ए, ए ग्रैंडफादर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जनरेशन गैप दो लिया है क्योंकि दो का जनरेशन गैप है यहाँ पर। बी जो है वो ग्रैंड चाइल्ड है, चाहे वो डॉटर है या सन है ये पता नहीं है, लेकिन ए जो है वो ग्रैंड फादर है, तो यहाँ पर दो जनरेशन का गैप है यहाँ पर, इसलिए हमने यहाँ पर दो एरो का यूज किया है ताकि जनरेशन गैप हम लोगों को पता लग सके। ठीक है, तो क्लियर है आप लोगों को? तो अगर आपको रिलेशन ट्री बनाना हो, फैमिली ट्री बनाना हो,
तो आप इस मेथड्स को या इन रूल को याद रखिए, ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही करना है, आप अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं जैसा आपको आसान लगे। बस इतना ध्यान रखना है आपने कि अगर जो भी आप फैमिली ट्री का मेथड यूज कर रहे हो उससे ये क्लैरिफाई हो सके कि जो रॉन्ग रिलेशन है या जो रॉन्ग आंसर हमें दिया गया हम उसे एलिमिनेट कर सकें, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि मेल को और फीमेल को किसी भी सिंबल से आप डिनोट कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें कौन सा सिंबल आप मेल के लिए यूज कर रहे हो, कौन सा फीमेल के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल से हम लोगों ने बताया, ब्रदर और सिस्टर की बात होती है तो वो सेम जनरेशन से है, ठीक है। हस्बैंड और वाइफ भी सेम जनरेशन से है, तो इसलिए हम लोग डबल एरो इसलिए यूज किया क्योंकि वो हस्बैंड और वाइफ है, ताकि हमें क्लियर हो सके ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, ठीक है। जिस साइड मैंने एरो लगाया है उस साइड उस पर्सन का हमें रिलेशन पता है कि यहाँ पर अगर ए की बात हो रही है तो ए की साइड पे एरो लगा है, अगर बी की बात होगी तो बी की साइड पे एरो लगेगा, ठीक है। जनरेशन गैप हम लोगों को पता लगा कि 1, 2 या 3 जनरेशन गैप हो सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि जब भी आप ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, एक तो आपको जेंडर का ध्यान रखना है मेल है या फीमेल है, दूसरा आपको जनरेशन गैप का ध्यान रखना है कि सेम जनरेशन की बात हो रही है या जनरेशन गैप की बात हो रही है, ठीक है। तो आप इन दो पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए जो ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो करेंगे। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं।